इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम printf की मदद से किसी भी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को कंसोल विंडो पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था कि printf फंक्शन को यूज़ करके हम कोई स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं कंसोल विंडो पे, पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने से। सबसे पहले मैंने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया जो कि हमारा सबसे ज़रूरी फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया ए, जिसको कि मैंने वैल्यू दी है 5। अब जो ए वेरिएबल है जो कि इंटीजर है उसकी वैल्यू है 5, तो हम printf फंक्शन को यूज़ करके हम ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि हम 5 को कैसे प्रिंट करेंगे। हमें ए नहीं प्रिंट करना, हमें ए की वैल्यू जो कि है 5 वो प्रिंट करनी है। तो अगर आप सोचेंगे कि आप printf फंक्शन को ए वेरिएबल एज इनपुट दे देंगे डायरेक्टली, जैसे मैंने किया है गोल ब्रैकेट के अंदर, printf की गोल ब्रैकेट के अंदर मैंने ए वेरिएबल को एज इनपुट दिया है, और आपको लगता है अगर कि ऐसा करने से वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि ऐसा अगर आप सीधा लिखेंगे तो printf फंक्शन को समझ नहीं आएगा कि उसने ए वेरिएबल का क्या करना है, और आपका प्रोग्राम एरर देगा। तो दूसरा जो तरीका है वो है कि अगर आप printf फंक्शन के अंदर डबल कोट्स का इस्तेमाल करके आप ए लिखते हैं एज इनपुट, printf फंक्शन को आप देते हैं डबल कोट्स के अंदर ए, तो इससे अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू 5 जो कि ए की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, तब भी आप गलत हैं। क्योंकि जो ये वाली लाइन है printf डबल कोट्स में ए, ये विंडो कंसोल विंडो के ऊपर डायरेक्टली ए करेक्टर को प्रिंट कर देगी। तो अगर मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि उसने डायरेक्टली ए लिख दिया, जबकि हमने उस पर 5 जो है वो लिखना था। तो ना तो डायरेक्टली ए लिखने से इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ना उसको इस तरीके से लिखने से उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। printf को यूज़ करके अगर हमें इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर %d, फिर कॉमा और फिर ए। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमने लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है। हमने printf को डबल कोट्स के अंदर एक इनपुट दी है जो कि है %d। तो %d जब भी printf %d को देखता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि ये जो %d है इसको उसने रिप्लेस करना है किसी वेरिएबल की वैल्यू के साथ। और वेरिएबल हम कैसे देते हैं, हम कॉमा डाल के उसके बाद हमने ए वेरिएबल दिया है। तो printf को समझ आ जाएगा कि मुझे जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू %d की जगह पे रिप्लेस करके और मुझे उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आप देखेंगे कि उसने वैल्यू प्रिंट कर दी 5, क्योंकि printf को हमने दिया था %d। तो %d का मतलब होता है कि हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है किसी एक इंटीजर वेरिएबल के साथ। आप थोड़ी लंबी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज कोलन %d। तो जब आप इस तरीके से एक पूरी स्ट्रिंग देते हैं printf फंक्शन को, तो printf फंक्शन इस स्ट्रिंग को तो बिना कुछ चेंज किए इस स्ट्रिंग को तो वो सीधा प्रिंट कर देगा। पर जब उसको %d मिलेगा तो उसको पता होगा कि उसको इसकी %d की जगह किसी वेरिएबल की वैल्यू के साथ उसको रिप्लेस करना है। तो वो इतनी स्ट्रिंग को तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, पर %d की जगह वो ए की वैल्यू डाल के और इसको फिर वो प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि इसकी आउटपुट में हमें मिला है द वैल्यू ऑफ ए इज कोलन और फिर 5। तो %d को ए की वैल्यू के साथ रिप्लेस करके printf ने पूरी एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से आप %d को यूज़ करके printf फंक्शन के अंदर किसी भी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू आप वहाँ पे
जो है प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करके। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से ट्यूटोरियल से आपको इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना समझ आ गया होगा। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल को यहीं ख़त्म करते हैं। टू एक्सेस आर कम्प्लीट सी प्रोग्रामिंग कोर्स प्लीज़ विजिट openeschool.com/learnc। Also, please subscribe to our channel to get regular updates on the new videos that we post.